नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अंकित कुमार है और आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर रोहतास जी से जो नंगथला के हैं और इनसे हम जानेंगे अपनी मस्टर्ड के बारे में जो इन्होंने लगा रखी है RMX9906 राशि कंपनी की। हाँ तो रोहतास जी आप ये बताइए, जैसे कि आपने और भी लगा रखी हैं, उसमें और इसमें अंतर क्या है, जैसे पहले अंतर की हम बात करें। अंकित जी सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ किसान भाइयों को जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो वैरायटी मैंने लगाई है। मैं तो कृषि दर्शन मेले में गया था हिसार अपने जो यहाँ लगता है बाल समुद्र रोड पे, वहाँ मैंने आपका ना बुध से ये बीज लिया था और उसके लगाने के बाद मैंने वैरायटी 3-4 और भी लगा रखी है। मतलब जिस तरह एक बराबर और भी पड़ोसियाँ हैं, वैरायटी बराबर है, कंपटीटर है, तो उसमें मैंने उनकी अपेक्षा ये एक तो फुटाव ज़्यादा है इसका। जैसे फुटाव दिखा सकते हो राजेंद्र, ये फुटाव देखो राजेंद्र जी, इसका फुटाव है ना, देखो जबरदस्त फुटाव है। इधर भी देख लो, कोई ऐसा नहीं कि एक में ही, इधर साइड में दिखाना, इधर देखो, इधर देखो। और इसका है ना, एक तो ये सर्दी वाले में सहनशीलता है, अभी पीछे बर्फ जमी उसके प्रति है ना, जिस तरह कईयों में 3-3, 4-4 दाने मर गए, लेकिन इसमें देखते हैं हम फली से निकाल के दाना, एक आधा दाना मरिया हुआ निकलता है, क्योंकि इसका ना जो फली का दल है वो मोटा है, मोटा है। उसके कारण हमें ये लगता है भी ये कटाई होने के बाद में भी झड़ने में सहनशीलता पाओ जरूर होगी। बिल्कुल। और इसमें रोग भी बहुत कम है, जैसे जिस तरीके से आपकी बिल्कुल घनी खड़ी है, ये बिल्कुल फूल है ना। लेकिन ये तो मैंने इसमें 1 किलो बीज ही डाला लीनू गलू, और इसमें बीच में कई बार बोले निकाल दो मकाना को निकालना, फिर उसके ज्यादा घने होने के कारण भी फिर भी बहुत बढ़िया फुटाव है। हाँ और कोई भी रोग नहीं है जैसे कि हम मानते हैं, तो इस कारण से हमारी जो वैरायटी है ये मतलब झड़ने के पर सहनशील है और मोटा होने के कारण, मोटी फली होने के कारण ये पाले पर भी सहनशील है और मतलब फुटाव भी, कोई बीमारी भी नहीं है इसके अंदर, उखेड़ा उखाड़ा की और फिलहाल कोई ऐसा कोई अब तक दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।